बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हैंगर बार्स। हैंगर बार क्या है, वो दिखता कैसा है, वो स्ट्रक्चर में कहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, मुझसे कहा है सर ये हैंगर बार क्या है। बहुत रेयर, बहुत कम यूज़ होता है स्ट्रक्चर में, तो कहाँ पे यूज़ होता है स्ट्रक्चर में वो बताता हूँ इस वीडियो में। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे उसका डायग्राम उतारता हूँ हैंगर बार का। ये रहेगा 0.30 मीटर, ये रहेगा बीम विड्थ, मतलब बीम का जितना विड्थ है, सपोज 0.30 मीटर 9 इंचेस, और ये कितना रहेगा 250 0.30 मीटर, और ये रहेगा 0.250। तो ये आपको उसका लेंथ मिल जाएगा, कितना लेंथ रहेगा इसका, आपको लेंथ मिल जाएगा। ओके, तो एक्चुअली हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हैंगर बार। हैंगर बार इस तरह से दिखता है। ओके, और एक जगह पे बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से, इस तरह से आके। ये है हैंगर बार। ये कितने के यूज़ करते हैं हम, हैश 12 mm एट 2 बार्स इस तरह से लेते हैं, या फिर हैश 16 एट 2 बार्स, ये इस तरह से हम क्या करते हैं डालते हैं। ऑलरेडी मेरी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे खाली मैं 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का वीडियो छोड़ा हूँ विथआउट वॉइस, वहाँ पे बोला नहीं हूँ, उस पर बोलूँगा अभी। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे ये यूज़ करते हैं हैंगर बार। नोट बताता हूँ, नोट देखिए, नोट क्या है, बिटवीन टू बीम जंक्शंस विथआउट कॉलम डेड साइट वी प्रोवाइड हैंगर बार्स। तो हैंगर बार हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, जैसा कि आपका रशरीशे बिल्डिंग है, या फिर कॉलेज का प्रोजेक्ट है, स्कूल का प्रोजेक्ट है, या कमर्शियल प्रोजेक्ट है, विल्ला है, जहाँ पे दो बीम मिलते हैं और वहाँ पे कॉलम्स नहीं होते। कॉलम्स तो रहते हैं, मतलब बीम की जगह पे, बीम से जब बीम मिलता है, जैसे कि सेकेंडरी बीम होता है, जहाँ पे बीम से बीम मिलता है वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कॉलम नहीं रहता वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं हैंगर बार्स। इसलिए प्रोवाइड करते हैं टू, जैसा कि बॉन्डिंग के लिए, जैसा कि हम L/4 प्रोवाइड करते हैं टू रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड टू रजिस्ट शीयर फोर्स L/4 करके जो एक्स्ट्रा बार डालते हैं, तो इसका भी सेम वर्क होता है, इसका भी सेम फंक्शन होता है। इसलिए हम रजिस्ट के वास्ते नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। तो कैसा प्रोवाइड करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये पहले मैं रब कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ओके, ये आपका स्लैब एरिया है, ओके, ये बीम जाएगा, ओके, और ये बीम जाएगा। सपोज समझ लीजिए
यहाँ पे कॉलम नहीं है, ओके, यहाँ पे कॉलम नहीं है, यहाँ पे ये एरिया में कॉलम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम यहाँ पे नहीं है मगर कॉलम यहाँ पे है, सबको समझ लीजिए, कॉलम यहाँ पे दिया है, ये एरिया में कॉलम नहीं है, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये कॉलम है, ये कॉलम है, एग्जांपल ये कॉलम है, 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 ये कॉलम, ये क्या है जितने भी है कॉलम्स है, यहाँ पे भी कॉलम्स है, यहाँ पे भी कॉलम्स है। अब यहाँ पे कॉलम्स नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, ये इसको प्रोवाइड करना चाहिए इस तरह से, यहाँ पे ये कॉलम्स और ग्रिप लेके, अगर यहाँ पे कॉलम्स है तो इस तरह से लेके कहाँ पे है, इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से एक साइड, ये एक साइड और एक साइड भी आएगा सेम, इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं हैंगर, हैंगर बीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंगर बीम। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी, मैं एक वीडियो है हमारे यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में हैंगर बार मुझे प्रो मारेंगे, आप वहाँ पे टेक्स्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा किस तरह से, और इसका पर्पज़ भी बताया हूँ मैं आपको। जैसा कि L/3 एक्स्ट्रा वो बार जो प्रोवाइड करते हैं टू रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट एंड टू रजिस्ट शेयर फोर्स, यहाँ पे भी सेम फंक्शन होता है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हैंगर बार प्रोवाइड करते हैं। डायमेंशन भी बता दिया हूँ, बीम का जैसा है जितना रहेगा 0.30 मीटर रहेगा, इसका 0.38 मीटर रहेगा, इसका 0.38 मीटर रहेगा, ये 0.250 रहेगा, इसका स्लोप कितना आएगा, इसको हम जब स्लोप करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा, ओके, इस तरह से इसका एक कटिंग लेंथ मिल जाएगा, कटिंग लेंथ भी आपको मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक मैं चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप फर्स्ट बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स हैं या फिर हमारे आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत वक्त लगता है एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए, स्टडी करके वीडियोस बनाना पड़ता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और फ्रेशर सिविल इंजीनियर के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए हमारे चैनल को। जो भी वीडियो रहेगी वो पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर वर्क के बारे में और इसके बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेफ, बाय बाय।